वर्ल्ड कप 2023 में होगी करोड़ों रुपए की बारिश। नीदरलैंड से लेकर अफगानिस्तान, विनर से लेकर रनर अप तक किसे मिलेगी कितनी धनराशि, तो आइए जानते हैं आगे वीडियो में। भारत में जारी वनडे वर्ल्ड कप 2023 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। रविवार 19 नवंबर को फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में जहां पिच से लेकर प्लेइंग 11 कई सारे पहलुओं पर बात हो रही है, इसी बीच हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट के प्राइज मनी को लेकर। इस वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने कुल 82 करोड़ की प्राइज मनी का ऐलान किया है। इस टूर्नामेंट में हारने वाली टीम पर भी करोड़ों रुपए की बारिश होगी। तो आइए जानते हैं किस टीम को कितनी धनराशि मिलने वाली है। वर्ल्ड कप 2023 में एक मैच जीतने पर कितने रुपए मिलेंगे, आपको बताते हैं। ग्रुप स्टेज में हर टीम को 9 मुकाबले मिले थे। इस राउंड में टीम को हर एक मैच जीतने पर $40,000 यानी लगभग 33.17 लाख रुपए मिलेंगे। यह राशि टीम को अलग से मिलेगी। यह राशि पूरे टूर्नामेंट में हर एक मैच जीतने पर टीम को मिलेगी। जैसे किसी टीम ने 10 मैच जीते तो उससे 33.31 करोड़ की राशि अलग से दी जाएगी। वहीं ग्रुप स्टेज से बाहर होने वाली टीम 6 टीमें जो सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाई, उन्हें $1,00,000 यानी 82 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके अलावा सेमीफाइनल में हारने वाली टीम यानी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को 6.63 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अब बात करते हैं विनर और रनर अप टीमों को कितना प्राइज मनी मिलेगा। फाइनल में हारने वाली टीम यानी रनर अप टीम को $20,00,000 यानी $16.58 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं विजेता टीम को आईसीसी द्वारा 33.17 करोड़ और ट्रॉफी के साथ नवाजा जाएगा। यानी अगर टीम इंडिया विश्व विजेता बनती है तो उसे 33.17 करोड़ प्राइज मनी के अलावा 11 मैच जीतने के रुपए भी अलग से मिलेंगे।